भाई सारे भाइयों ने राम राम है। तो भाई सोए सोए सा लग रहा हूँ क्या? तो भाई बड़े दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो आज भाई कॉलेज का ना टूर दूंगा मैं, कि इस सेमेस्टर का ना पहला दिन है, तो मतलब यूँ मान लो कॉलेज का पहला दिन भी होगा और कॉलेज का पूरा टूर होगा जॉर्ज ब्राउन कॉलेज। मतलब कॉलेज तो भाई फंटेस्टिक है, मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है। यूँ है कि ये कला यूनियन जब से यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कॉलेजेस है ना, उनमें यूँ है कि ऐसा लगता है कि सारे ना इंडियन स्टूडेंट्स हैं, बट ये थोड़ा सा यूँ है कि इसमें ना मिक्स हैं, सारे इंडियंस भी हैं, इंडियंस वाले की कमी है। तो एक ना एक्सपोजर अच्छा है, मतलब बराबर सी है लेकिन इसमें एक्सपोजर थोड़ा सा अच्छा मिलता है। दैट्स व्हाई आई लव दिस कॉलेज। तो भाई इसके बाद भाई अपना कॉलेज का टूर करवा देंगे भाइयों। तो बस अभी लेट हो गया भाई, बहुत बस आने वाली है, गो ट्रेन में जाना है। तो भाई ये होती है ट्रेन। तो भाई आज जा रहे कॉलेज में। कॉलेज में भी यूँ है कि आज मेरा क्या कहते हैं, आज कॉलेज का दूसरे सेमेस्टर का पहला दिन है। पहला सेमेस्टर बीत गया, पता भी नहीं चला यहाँ पे कैसे 5 महीने बीत गए। इट इज व्हाट इट इज, दिस इज टोरंटो ब्रो। तो भाई ये दिख रहे हैं तुम्हें, पीछे हमारे कॉलेज है। तो आज पूरा कॉलेज का कैंपस का टूर दूंगा मैं। जैसे आया था भाई तुम्हें दिखा रहा था बस वाली, शायद मैं डाली है, नहीं ट्रेन में आया था आज कॉलेज। मतलब मेरा दूसरा सेमेस्टर शुरू हो गया है, और मतलब इन जनरल भी अगर तुमने, वैसे तो ये जॉर्ज ब्राउन कॉलेज का टूर दे रहा हूँ, इन जनरल भी तुम्हें अगर कैनरा के कॉलेज देखने कैसे होते हैं, मतलब बहुत लग्जरियस है क्योंकि हमें बिल्डिंग्स भी देख लो। तो चलो थोड़ा सा वाटर फ्रंट है, इसके आगे सारा पानी है, मतलब लेक है, वैसे ओशन जैसे लगता है। अभी दिखाएंगे, वो भी दिखा देंगे। और ये देखो साइड में बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई सर्दियों में ना, तो यहाँ पे भाई सर्दियों में ना वो होती है क्या कहते हैं, स्केटिंग, आइस स्केटिंग। क्योंकि मेरे को स्केटिंग आती है तो मैं आइस स्केटिंग भी कर लेता हूँ। चलो उसको छोड़ते हैं। तो भाई देखो पहले तो कैंपस देखा हो भाई, कितना मस्त लगता है बाहर से। और एक नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है भाई सामने कैंपस के। तो भाई कैनेडा में भाई सच में ये तुम्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। मेरा बिल्कुल डाउन टाउन के अंदर, डाउन टाउन हल्का से उधर से शुरू, मतलब डाउन टाउन ही है ऑलमोस्ट, उधर से डाउन टाउन शुरू हो जाता है। बड़ी बड़ी स्क्रीन जैसे न्यूयॉर्क में होता है ना, वैसा है भाई ये कैनेडा डाउन टाउन में। मैं रहता हूँ डाउन टाउन में, मिसिसागा में रहता हूँ, बट यहाँ पे मैं कॉलेज के लिए आता हूँ। और जैसे पूरा अब कैंपस शुरू देते हैं भाई, आ जाओ पूरी, मतलब जितने भी कैफेटेरिया, जितने भी बच्चे हैं, जितना सब कुछ है, नए नए स्टूडेंट्स आए हैं, तो किसी से बात करने का मौका मिला तो ज़रूर बात कराऊँगा। तो आ जाओ भाई। कैफेटेरिया सारा कुछ दिखाऊंगा। ना फ्री स्टफ मिलता है भाई मेरे को, ना मेरे को एक बॉटल फ्री मिली है और मेरे को एक और चीज़ फ्री मिली है। पीछे कैफेटेरिया भाई, ये पूरा ना कैफेटेरिया है, मतलब कैफेटेरिया मतलब जैसे कैंटीन के बाहर चेयर नहीं लगी होती है अपने इंडिया में, ये पूरा कैफेटेरिया है। तो भाई ये है टिम हॉर्टन्स पीछे, मतलब यहाँ पे सबने लाइन लगा रखी है। यहाँ पे टिम हॉर्टन्स में मतलब कॉफ़ी मिलती है और बीगल बूगल होते हैं यहाँ की, वो एसेसरीज होती है, वो सारी मिलती है। और उधर वाली साइड है स्टारबक्स भी है। इंडिया से कहाँ से? अरे मेरे भाई हरियाणा का भाई मिल गया अपना, हरियाणा में जींस से। ओह क्या बात है, आप कहाँ से? गुजरात। अरे गुजरात से भाई, गुजरात हरियाणा वाले भाई भाई हैं। कैसा लगा पहले सेमेस्टर आपका? बढ़िया लग रहा है कॉलेज अभी तक? सही है, पता क्या मस्त लग रहा है आपसे वैसे एक्सपीरियंस पूछ रहा था मैं तो। अभी तक तो मस्त है। और कितने गुजराती मिले आपको? जॉर्ज ब्राउन में नहीं है पर ऑन्टारियो में बहुत गुजराती हैं।
बहुत ज्यादा है, बहुत है। हम पंजाबी तो ऐसे बदनाम है तो यहाँ गुजराती छाए हुए देख पंजाब गुजरात हरियाणा बस ये तीन सी चीज तीन मिलते हैं ज्यादातर और भी साउथ इंडियंस भी बहुत है सारी हैं साउथ वाले भी बहुत आते हैं बट आई थिंक स्कारब्रू अगर तुम चले जाओ क्लास में बाकी सारे घूमे देख लो भाई अगर अगर तुम्हें जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में आना है ना भाई और तुम्हें मतलब यूँ देखने कनाडा की लाइफ या गोरे हो तुम्हारी क्लास में थोड़ा औखा है भाई कॉलेज में बता रहा हूँ मतलब ठीक है औखा भी नहीं है मतलब लेकिन थोड़ा और कॉलेज स्टैंडर्ड आपका तो तुम्हें इस कॉलेज में आना है तो और तुम्हें थोड़ा सा अच्छा एक एक्सपोजर चाहिए ना मतलब एक तुम्हें यूँ होगी और कॉलेज में सारे इंडियंस हैं नॉर्दर्न कॉलेज है ना ज़्यादातर सब में इंडियंस हैं तो ये थोड़ा सा बढ़िया है अगर तुम्हें गोरे गोरे देखने सारे भाई एक्सपोजर भी अच्छा मिलता है एक लाइफ के लिए बस तुम भाई कैफेटेरिया था नीचे वो जो नीचे वाला फ्लोर था ये उधर भी है हल्का सा तो भाई वहाँ से हम स्टेज से आए इधर को जा रहे हैं और इधर भी क्या है इधर से व्यू दिखाऊं भाई ये कॉलेज ना बेस्ट भाई व्यू के लिए जाना जाता है इस कॉलेज का कैंपस की लोकेशन ओ माय गॉड भाई देख पूरा भाई बहुत बढ़िया लगता है बाहर से दिखाऊंगा अभी यहाँ से तो यार पेड़ पुड़ बीच में आ रहे हैं और ये देखो ये वहाँ पे मतलब बैठ जो चिल चुल कर लो अपना और वो पीछे एक पढ़ने के लिए यहाँ पे पढ़ते भी होते हैं कई स्टडी एरिया बोलते हैं तो और सुना बैठो बैठो तो ये लोग मैं थोड़े फ्लेक्सिबल कपड़े पहनता हूँ क्योंकि भाई मैं शिफ्ट से आता हूँ काम से आता हूँ भाई यहाँ पे जब मैं काम करता है ना तो कपड़े मुझे सूझते पहली बार तो मैं अपना पता चलेगा जब काम होता है ना काम एक प्रायोरिटी हो जाती है पढ़ाई भी प्रायोरिटी काम भी प्रायोरिटी है बिना काम भी नहीं रह सकते बिना पढ़ाई भी नहीं रह सकते क्योंकि आगे पढ़ाई काम आएगी हर चीज़ वर्क परमिट के आने में सब कुछ करेंगे तो मैं कहूँगा कि हाँ क्या कहते हैं कॉलेज है ना भाई कॉलेज के अंदर जितने भी ना ज़्यादातर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं तो देसी बिल्कुल कम है तो एक्सपोजर बहुत अच्छा है जो यूथ चाहता है ना कि भाई आगे ग्रोथ करना चाहता है अपनी लाइफ में तो भाई ये कॉलेज ले मेरा यूँ था पहले सेमेस्टर गया मैं सोचने लगा था नहीं यार मैं अपना कॉलेज चेंज करूँ क्योंकि भाई मेरे को हार्ड लग रहा था थोड़ा सा क्योंकि कोरोना के बाद पढ़ा था एक तो बहुत टाइम बाद पढ़ा था बट अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ वर्थ इट है क्योंकि मैंने पहला सेमेस्टर क्लियर कर दिया और मेरे को ऐसा लग रहा था उस टाइम कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा मैं क्लियर कॉलेज चेंज करूँगा ये करूँगा एक फीलिंग आती है जब आईएलस करते हैं ना बंदा यूँ सोचता भाई विदाउट आईएलस के कहाँ पर जा सकते हैं जर्मनी वगैरह मैंने ऐसा बहुत कुछ सोचा था तो यूएसए वगैरह तो मैं बंदे जो भाई मीडियोकर भी है ना तो डरो मत यार लेकिन अगर तुम्हारे अंदर यूँ है कि गट्स हैं अगर तुम सिर्फ काम करने के लिए आ रहे हो ना सिर्फ काम करने के नॉर्मल सिर्फ काम करने के लिए आ रहे हो तो फिर दूसरा कॉलेज लेके आना दूसरे कॉलेज बहुत सारे हैं मैं ये नहीं कह रहा वो बेकार काम है सबकी लाइन होती है भाई मैं ऐसे आया हूँ कि बिल्कुल काम भी करता हूँ पढ़ाई कोच में और मैं आगे ग्रोथ करना चाहता हूँ आगे भी पढ़ना चाहता हूँ यूँ कि भाई आगे रुक जाऊँगा इसके इस कोर्स के बाद अगले कोर्सेज करूँगा कौन सा कुछ करूँगा तो बंदे को ग्रोथ होनी चाहिए ये मेरी रिकमेंड है ग्रोथ करते रहना चाहिए सबकी लाइन वो भी लाइन बढ़िया है ये भी लाइन बढ़िया है सब कुछ और सब पे बंदे पे डिपेंड करता है तो क्लासरूम्स दिखाता हूँ मैं ये भी तुम्हें आके क्लासरूम्स कैसे होते हैं अगर कोई खुला हुआ तो 210 रूम नंबर में लगती है यार दो टू ग्यारह वाला 210 रूम नंबर में क्लास लगती है जैसे सामने पता नहीं क्लास लग रही है और देखो भाई क्लास लग रही है कि नहीं वो भाई क्लास नहीं लग रही है खुला है ओ भाई खुला मिल गया तो भाई ये क्लास है भाई बहुत बहुत मस्त क्लास है तुम्हें लग रही होगी मस्त कि नहीं सेट है ना सामने दो टीवी स्क्रीन है मैं बताता हूँ यहाँ की क्लासेस होती है कनाडा में दो टीवी स्क्रीन है सामने ये पूरी क्लासेस है इसके अंदर मतलब एक सीट पे यू है भाई जैसे ये ना जैसे जुड़ जुड़े हैं तो चीटिंग करने में आसानी रहती है चीटिंग कर रहे मजाक कर रहा हूँ यार चीटिंग का मतलब इधर ना पेपर एज सच मतलब ऑनलाइन होते हैं मतलब ऑनलाइन भी होते हैं ऑफलाइन भी होते हैं लेकिन ना टीचर थोड़े से स्ट्रिक्ट है टीचर पे क्योंकि यहाँ पे टीचर के हाथ में सब कुछ अगर टीचर चाहे ना भाई पेपर भाई वो तुम्हारा पेपर 35% का कर सकते हैं 40% का कर सकते हैं सब कुछ टीचर के हाथ में ये नहीं कि भाई ऊपर से कॉलेज कहेगा या वो कहेगा एडमिनिस्ट्रेशन आएगी कुछ नहीं इंडिया की तरह नहीं है कॉलेज के टीचर के हाथ में टीचर ने तुम्हें पास करना है तो कर देगा और फेल करना है तो फेल ही करना है तुम्हें ठीक है और पासिंग परसेंटेज बता दूँ 60% है कहीं में 50% है कहीं में 65% पे होते हैं डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर हमारे यहाँ 60% पासिंग परसेंटेज सब्जेक्ट्स में डिपेंड करता है कहीं में 50 भी है तो ओवरऑल यू मान लो 50 ये है प्रोजेक्टर्स एक प्रोजेक्टर इधर है एक प्रोजेक्टर इधर को है और ये अपना भाई यहाँ पे लैपटॉप रखा होता है इससे प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे प्रोजेक्टर्स लगे हैं तो ऊपर देखते हैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड भी होता है इसको ऊपर कर दिए भाई बट ये इतना यूज नहीं करते ये मेडिकल की क्लासेस हैं और कॉलेजेस नहीं है इतने बढ़िया
क्योंकि बहुत बढ़िया कॉलेज है और भी है, डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज, बट ये मेडिकल का है, तो मेडिकल का एक प्रोफेशनलिज्म दिखाने की कोशिश करी है, दैट्स वाई भाई। और तो अब आगे भी भाई ये सारी क्लास दिखा दी है तुम्हें, लॉबी दिखा दी है पीछे, और क्या रहेगा, कैंटीन दिखा दी है ऐसी भाई। ये 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, ऊपर एक लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी बहुत मस्त है। लाइब्रेरी दिखाऊंगा क्योंकि अभी तो भाई जिम भी है नीचे, जिम भी मतलब हर कॉलेज में होता है, डिपेंड करता है, मेनली दूसरे कैंपस में है ये वाला वर्किंग फंक्शन, मतलब वर्किंग में नहीं है अभी जिम। और अच्छा ठीक है, ज्यादा है कैसे उसको शुरू में नहीं करते तो मैं कहता हूं। देखिए भाई, भाई कह रहा व्लॉग में नहीं लेके आया, मारती खाते यार, मतलब यार यूं है क्या यूं है कुछ ऐसा था, ये बंदे मतलब ये भाई कैफेटेरिया में बैठे थे तो मैंने इनको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, भाई मतलब भाई मेरे साथ ही बैठता क्लास में भी, तो ये भाई बैक साइड पे आ गया हम, तो बैक साइड ये भाई पूरा कॉलेज वहां तक की, पूरी भाई बैक साइड है, मेरे को बहुत पसंद है भाई ये, देख लो मतलब पूरा डाउनटाउन सही है ये, वाओ। और भाई तुम्हें आगे चल के दिखाता हूँ, इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही है और यू टू आर एटमॉस्फेयर, मतलब तुम यार इस पर्यावरण का हिस्सा हो, बंदा मत करना। जो सामने भाई टोरंटो आइलैंड है वहां से सिर्फ $5 में ना वो किश्ती से जाती है, बहुत मजा आता है भाई, उधर भी लेके चलूंगा, देख पाने भाई मतलब ओशन से है भाई ऑलमोस्ट, मेरे को बहुत पसंद है ऐसी जगह पे आना। तो ये भाई हमारा कॉलेज है बैक साइड से, ये भाई ये तो भाई ये वाला जो कैंपस है ना मेरे कॉलेज का पीछे है जो मेरे, ये वाला कैंपस है मतलब वाटर फ्रंट कैंपस है, हमारे कॉलेज के 3 कैंपसेज हैं और सबसे बढ़िया कैंपस ये है लोकेशन वाइज, और वैसे भी मतलब काफ़ी अच्छा कैंपस है ये, डिपेंड ही करता है भाई तुम्हारे लिए, मतलब एक कासलोमा भी बहुत बढ़िया कैंपस है, एक सेंट जेम्स है, सेंट जेम्स में आग लगी थी तो भाई वो नाश हो गया, लेकिन वो भी बढ़िया भाई, जोन सा भी बंदा किसी भी कैंपस में आ रहा है, तो अगर रिक्वेस्ट कर लेना तुम कैसलोमा, और कैसलोमा में भाई मेरे दोस्त पढ़ते हैं तो मैं उसका भी कैंपस टूर दे दूंगा, बट ये अभी जॉर्ज ब्राउन कॉलेज का ही, मैंने यूट्यूब पे देखा, कोई वीडियो नहीं थी इसके बारे में, तो भाई तुम्हारे भाई ने पाई है पहला बंदा कैंपस टूर की वीडियो वाटर फ्रंट कैंपस की तुम्हारे भाई से, तो होप भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भाई किसी ने भाई कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कितने भी हो तो फील फ्री टू आस्क फ्रॉम मी, मतलब मैसेज पूछने में इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आज का मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा, सॉरी बहुत बिजी है लाइफ यहाँ पे, और ऊपर से दूसरा सेमेस्टर शुरू हो गया, बट जितना हो सकेगा भाई उतना रिप्लाई देगा तुम्हारा भाई, और किसी को भी कितनी भी भाई यहाँ पे किसी भी चीज़ की जरूरत है, घर ढूंढ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अगर तुम कैनेडा में भी हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो भाई। अब मेरे को नहीं पता मैं कोई मतलब मैंने ठेका नहीं ले रखा है, मैं कोई मेरे घर नहीं है मेरे, लेकिन मदद हो सकेगी उतनी मदद करूंगा तुम्हें, कोई जॉब दिलवाने में, जितने तुम्हारे कोई कॉन्टैक्ट बनवाने में, क्योंकि मैं बहुत बंदों को जानता हूँ यहाँ पे, बहुत बंदों से बात कर लेता हूँ मैं, तो दैट्स इट ब्रो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हो भाई जो दिल से जुड़े हैं भाई 2000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, मतलब होने वाले हैं, अब तक हो जाएंगे, तो भाई दिल से धन्यवाद जिन्होंने भाई मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स मेरे साथ भाई छोटे लेवल से जुड़े हैं, जो मेरे को ना लोग कहते थे 100 सब्सक्राइबर्स है, पता ही मैंने बात 100 है दोस्तों के, कोई सब्सक्राइब नहीं करता था, कई तो मेरे ऐसे दोस्त सब्सक्राइब नहीं करते थे, तो आज भाई 2000 हुए हैं, कल 2 मिलियन भी होंगे, सब कुछ होगा, तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग ब्रो, भाई यूं देसी भाषा में कह दें तो बढ़िया लग गया यार, कोई बंदा एफर्ट करे तो उसको मतलब अप्रिशिएट करा जाए ना, कोई तुम अगर कुछ काम करते हो और तुम्हें अप्रिशिएट करा जाए तो दैट्स ब्रो, तुम्हें वो फीलिंग पता है, तुमने कुछ अच्छा करा और तुम्हें मतलब अप्रिशिएट मतलब तुम्हें कोई मतलब हाँ भाई वेरी गुड वाह, तो वो अलग ही फीलिंग होता है, बंदा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रो, मैं भाई कोई ऐसा नहीं हूँ बट मैं अपनी जितना हो सकता है मैं अपनी मेमरीज अपनी लाइफ दिखाने की कोशिश करता हूँ भाई, मैं इस कॉलेज में पढ़ा था यूँ था, तो बहुत जर्नल टॉक्स हो गई है भाई, तो कोई कैनेडा में कुछ और देखना हो तो ज़रूर बताओ भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, होप बड़ी वीडियो अच्छी लगी होगी।